बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जब भारत को T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से करारी शिकस्त देने में अहम रोल अदा किया था, उसके बाद ये दोनों जहां पर भी इंटरव्यू देने जाते थे ये लोग कुछ इसी तरह की बकवास किए करते थे। अरे लोग तो हमसे पैसे नहीं लेते हैं, हमको दूर से ही देखकर हाथ दिखाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। अब ऐसे में जब बात ये निकलकर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, तब कहीं ना कहीं लोग अब जिम्मेदार इन्हीं लोगों को ठहरा रहे हैं कि भैया ये मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इफ्तिकार, फखर जमान, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की कारगुजारी है कि पाकिस्तान इतने बुरे तरीके से इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। ऐसे में अहमद शहजाद का तो गुस्सा ही पूरा फट पड़ा। अहमद शहजाद जो कि ऑलरेडी अपने पाकिस्तान की तरफ से खेलने को लेकर काफी स्ट्रगल कर चुके हैं, बट उनको टीम में शामिल किया नहीं गया। आज की तारीख में वो टीवी पैनल्स में शामिल हो रहे हैं और सीधे तौर पर पाकिस्तान के ऊपर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनकी बातें निकलकर सामने आई उससे साफ तौर पर समझ में आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में धांधली थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी लपक के ही चलती है, और इस धांधली से आप कहीं से कहीं तक बच भी नहीं सकते। पाकिस्तान खराब प्रदर्शन जो किया है पाकिस्तान ने, उसके बाद इस टीम की इतनी आलोचना हो रही है कि वैसे भी इनके पास कहीं जाने के लिए कोई जगह बची नहीं। आप अहमद शहजाद ने पाकिस्तान की टीम और कप्तान बाबर आजम के ऊपर काफी खरी खोटी सुनाई है। शहजाद ने तो यहां तक कह दिया कि बाबर ने तो लोगों को बेवकूफ बनाया है और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीम बनाई है। अहमद शहजाद ने टीवी शो में कहा कि जब से बाबर आजम कप्तान बना है हम बहुत औसत दर्जे की टीमों से हार रहे हैं। माफ करें इस शब्द का मैंने यूज किया, जिस तरह से इंप्रूवमेंट हो रही थी ये चीजें निश्चित थी कि और किसी भी दिन ऐसा हो सकता था। शहजाद ने भारत के खिलाफ हार के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ही जिम्मेदार भी ठहराया था। अहमद शहजाद ने कहा कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पिछले 4-5 सालों से टीमों की देखरेख कर रहे हैं और जो सभी फैसले लेते हैं, तो क्या हम उनका कर्तव्य नहीं था कि वो सुनिश्चित करें, इस बात को मेक श्योर करें कि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मुकाबले में 120 रनों का टारगेट पीछा करते हुए जीत हासिल करे। भाई क्योंकि आपकी टीम में इतने ज्यादा स्थापित खिलाड़ी हैं जो कि लगातार काफी लंबे समय से खेल रहे हैं, तो उनकी खुद की एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस चीज को ध्यान रखें कि कैसे भी करके टीम लाइन को क्रॉस करे। शहजाद ने कहा कि बाबर बड़े गेम में रन बनाता है, वहां पर उसका एवरेज 27 का है और स्ट्राइक रेट 112 का है, और आपके रन है 1400 रन जो कि सिर्फ और सिर्फ हारे हुए मैचेस में आए हैं, जो दुनिया में नंबर 3 पर है। तो ये आंकड़ा किस किंग का है मुझे आप बताएं, मैं इस किंग के साथ क्या करूं जो हमें मैच जिता ही नहीं सकता। कोई फालतू का किंग है ये तो पूरी तरीके से। 32 साल के अहमद शहजाद ने कप्तान बाबर आजम पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने BCD टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके पाकिस्तानी लोगों को काफी ज्यादा पागल बना दिया है और बेवकूफ भी बनाया है। आपकी सैलरी बढ़ाई गई, PCB ने आपको भुगतान किया ताकि अपने क्रिकेट को आप और भी ज्यादा डेवलप कर सकें। अहमद शहजाद ने दरअसल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट काफी खेला है, लेकिन एक समय पर जब वो बाहर हुए तब उसके बाद वापस अंदर आने के दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो गए। कई लोगों ने कहा कि अहमद शहजाद के साथ में गलत हुआ और ऐसा हुआ, बट आज की तारीख में अहमद शहजाद भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उतनी बुरी तरीके से लताड़ रहे हैं जैसे कि बाकी लोग लताड़ रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान में दरअसल क्रिकेट को लेकर जितना बड़ा क्रेज है, उसके बाद अगर ये हालत पाकिस्तान की हो रही है इतना घटिया खेलने के बाद में, तो आप उसके लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। ना तो बाबर आजम ने टीम को इंस्पायर किया है, ना ही मोहम्मद रिजवान ने किया है, इफ्तिकार फखर जमान के बारे में तो छोड़ ही दो। तो ये चीजें जितनी तरीके से स्ट्रगलिंग दिखाई दे रही हैं, ये इस बात को बोलने के लिए काफी है कि यार मतलब बहुत गलत हो रहा है यहाँ पर। और देखो पाकिस्तान क्रिकेट अगर गर्त में जा रहा है तो इसका कारण कौन है, भाई इसके कारण के बारे में भी तो बात होगी ना। मोहसिन नकवी और वहाब रियाज का जो याराना है वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक कहते हैं ना लोग चमचे की तरह है। वहाब रियाज बिल्कुल पुछलग्गू बनकर घूमता रहता है, और ऐसा नहीं कि उसका इससे उसको फायदा नहीं हुआ, वहाब रियाज को काफी फायदा हुआ है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, इवन अब तो नेशनल क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर भी बनकर बैठा हुआ है। हालांकि अब आवाज उठना शुरू हो चुकी है कि मोहसिन नकवी के साथ साथ चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज को भी हटाया जाए, बट बात यही है कि पाकिस्तान में जब तक ये पॉलिटिक्स बैठी हुई है तब तक चीजों का सुधार कुछ ज्यादा हो नहीं पाएगा। और यही कारण है कि अहमद शहजाद जैसे पूर्व क्रिकेटर हैं ये अच्छा खेलने के बावजूद भी टीम से बाहर बैठे रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।